आपको बनती है सर, सेल्फ रिडेवलपमेंट, लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये नामुमकिन है, लेकिन आज मुंबई बैंक ने जो सुविधा करके दिया उससे मुमकिन है। आज मुंबई में और थाना में लगभग 10,000 बिल्डिंग ऐसे हैं जिन्होंने अलग अलग एम्प्लॉयज ने खुद आके सोसाइटी बनाकर अपना अपना फ्लैट खरीदी किया है और बसाया। क्या ये सेल्फ डेवलपमेंट मुमकिन नहीं है? 100% मुमकिन है। देखिए, लोगों का सवाल आता है कि क्या मुंबई बैंक हमें भाड़े का जो 2 साल का 3 साल का क्या पैसा देगा? जरूर देगा। आपको पहला 2 साल में कोई भी इंस्टॉलमेंट नहीं देना है। आपको सिर्फ 85% ऑफ दी टोटल जो भी खर्चा आएगा, आपका भाड़ा है, आपका जितने भी खर्चा आते हैं उसका टोटल, मतलब फंजिबल एफएसए का प्रीमियम, डेवलपमेंट प्रीमियम, ये सब टोटल आप मारिए, आप एक आर्किटेक्ट का अपॉइंट करिए, उसका 85% मुंबई बैंक आपको लोन देगा, जिसका इंटरेस्ट और ये कुछ भी आपको 2 साल नहीं देना है। अगला 5 साल तक आपको पेमेंट का सुविधा है, एक एस्क्रो अकाउंट होगा। देखिए, आज आपने बिल्डर का अपॉइंट किया तो आप क्या करते हो? बिल्डर को पूरा अधिकार देते हो, इतना तक आप अधिकार देते हो कि उनको बेचने का भी अधिकार देते हो, और आपका जो डेवलपमेंट राइट है तीसरा चौथा बिल्डर को बेचता है। इधर मुंबई बैंक को आपने लैंड मॉर्गेज किया तो क्या गुना होगा? मुंबई बैंक जब 85% आपको कर्जा दे रही है और वो खुद का पीएमसी अपॉइंट करने वाले हैं, और उनका खुद का पीएमसी जो 85% उन्होंने जो कर्जा दिया उसका ब्याज के साथ लेना है, तो वो उसका संरक्षण करेंगे। आपको डायरेक्शन मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, आपको एक फ्लैट के सामने 2 फ्लैट मिल सकता है। 70% जो लीजिए, 1% एक एफएसए है, दूसरा आपको एक टीडीआर का हिसाब से मिलता है, 0.70 आपको पंजीबल एफएसए मिलता है, 2.7 आपको होता है। जब 2.7 मिलता है, आपको 500 का फ्लैट है उसके सामने आपको 1,000 स्क्वायर फुट का फ्लैट आपका खुद का हो सकता है, 2-2 फ्लैट आपको हो सकता है, उसके अलावा 0.70% जो है आप मार्केट में बेचिए, जिसका इंटरेस्ट और थोड़ा सा मुद्दा आपको देने में आसान होगा। आपको कॉर्पस इतना इंटरेस्ट नहीं है, आपको 2 फ्लैट मिलता है तो आप भाड़े में दे सकते हो। आज आप अपना जमीन बिल्डर को बेचने के जगह में, और बिल्डर अपना बिल्डिंग बना के दूसरे को फ्लैट बेचना, और वो अपना खुद, बहुत सारे सोसाइटी में मैंने ये देखा है, आईओडी लेते हैं, लोग खाली हो जाता है, उसके बाद बिल्डर बोलते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, अभी आप जमीन मॉर्गेज करने के लिए आप एनओसी देते हो तो मैं जमीन मॉर्गेज करूंगा, 50 लाख 100 करोड़ कर्जा लूंगा, उसके बाद बिल्डिंग खत्म करूंगा क्योंकि मेरे पास प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रहा है। और मैं ऐसा भी देखा है, सोसाइटी ने एनओसी दिया है, मतलब बिल्डर को आपने जमीन भी बेचा, बिल्डर को आप मॉर्गेज करने को भी परमिशन देते हो, बाद में बिल्डर अलग अलग ढंग से आपको नखरा दिखाता है। आज मुझे नहीं बताना है, 2 वीक पहले गोरेगांव में क्या हुआ, 5-5 साल बिल्डर बिल्डिंग नहीं बनाते, और बिल्डिंग जब बनाता है तो बोलते हैं आपने परवड़ता नहीं, इसके लिए 70% में बोला था, 40% बोला था, अभी मैं कम करूंगा। तो ये सब क्यों चाहिए? जब मुंबई बैंक आपको 85% कर्जा दे रहा है, आपको व्याज मतलब रेंट भी दे रहा है, आपको 2 साल का व्याज भाड़ा चाहिए तो 3 साल का रखिए, आप अपना पीएमसी अपॉइंट करिए, और आपका उनका भी पीएमसी होगा, दोनों का ये होगा, 15% आपको दे रहा है। यदि 15% देने के लिए और ये 15% किधर से आएगा? आपका जो सिंकिंग फंड है, रिपेयर फंड है, आपने जो भी जमा किया उससे आएगा, और आपको 80% देना है, एक एस्क्रो अकाउंट बनता है। देखिए, एस्क्रो अकाउंट मतलब क्या है, जो भी सेल प्रोसीड्स होगा वो व्हाइट में होगा, और दूसरा आपको कोई इनकम टैक्स नहीं है, क्योंकि जब आप एक फ्लैट दूसरे मेंबर को बेचते हो और उससे जितने भी अमाउंट आप लेते हो बैंक में जमा करते हो, अंडर कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल के आपको इनकम टैक्स भी नहीं लगता है। आज बिल्डर को आप देते हो तो बिल्डर को भी 30% इनकम टैक्स भरना पड़ता है, इधर आपको इनकम टैक्स भी नहीं लगेगा। तो इनकम टैक्स भी है, आपका कॉर्पस भी फ्री हो जाएगा, आपको अच्छे तरह से 85% जो कर्जा देने वाला है वो खुद अपना पीएमसी रखने वाला है, आपका डेवलपमेंट अच्छे तरह से होने का जिम्मेदारी मुंबई बैंक सिर में रहेगा, क्योंकि ये पहला होता था। जब मुझे आश्चर्य हो रहा है, मुझे बहुत दुख हो रहा है, कोई भी आदमी कुछ कदम उठाने के पहले ही हार मान लेता है, और मुंबई बैंक 85% लोन देके आपके ऊपर प्रयोग करना चाहते हैं, वो पैसा लीजिए, मॉर्गेज करने से वो आपका कुछ भी नहीं बिगड़ता है, आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उनके पास रहेगा, और उनका क्या इंटरेस्ट है, उनको 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट देना, 14% इंटरेस्ट मुद्दा लेना उनका हक है, उसी के लिए वो तड़पाएंगे, उसी के लिए उन्होंने पीएमसी अपॉइंट करा, वो 14% में अपना पीएमसी का खर्चा वो खुद करने वाला है, वो भी आपको अलग से नहीं करना है, आपको अपना खुद का आर्किटेक्ट अपॉइंट करके उनका संरक्षण, मतलब एक लेवल सर्विस लेवल एग्रीमेंट बनाते हो वकील लोगों को लेके,
मुझे लगता है कि सेल्फ रिडेवलपमेंट जैसा कोई अलग चीज नहीं है। उन्होंने बहुत सारा रकम रखा है, आज मुंबई में किसके लिए? अपना सबका पैसा उधर ही जमा है, और हमारा पैसा जमा हुआ है तो हमको ही कर्जा देने के लिए मुंबई में जब स्थापन हुआ है, लेकिन उसका फायदा ही हम नहीं उठा रहे। तो मुझे आपसे सबसे विनती करना है, आप सेल्फ रिडेवलपमेंट करते रहिए, आप अपना पीएमसी अपॉइंट करिए, फिजिबिलिटी देखिए, सेल्फ रिडेवलपमेंट होता है तो कितना प्रोजेक्ट कॉस्ट आता है देखिए, और हमारे जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास आइए, हम आपको बराबर बता देंगे कि किस तरह से आपका प्रोजेक्ट अच्छे तरह से हो सकता है, आर्किटेक्ट का मदद लेंगे, जिससे शायद हो सकता है कि 15% का कॉन्ट्रीब्यूशन भी आपको नहीं दे रहा, किस तरह से होगा क्या होगा, तो आप अपना खुद का थोड़ा सा ये सब हम प्लानिंग करेंगे, आप इसका उपयोग लीजिए। और हमें जैसा मुंबई बैंक जैसे इतना बड़ा बैंक हमारे पीछे है, तो मुझे लगता है, और उनका खुद का पीएमसी रहेगा, तो मुझे लगता है आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपने बराबर बताया, एसआरए में है, माड़ा में है, उसी तरह से माड़ा में भी 10% एक्स्ट्रा है, और मैंने बीएमसी को ऑलरेडी बताया, और अभिषेक गोसावकर खुद कॉर्पोरेटर है, शिवसेना का नेतृत्व करते हैं, तो मैं आप सबसे विनती करूंगा, उनको भी रिक्वेस्ट करिए कि बीएमसी को जब डेवलपमेंट कंट्रोल रूम में चेंज आएगा नया डेवलपमेंट प्लान, यदि सेल्फ डेवलपमेंट जाते हैं कम 0.1% 0.2% इंसेंटिव एपीएसआर, इसका ऑलरेडी मैंने गवर्नमेंट को प्रावधान किया है। यदि आप सेल्फ डेवलपमेंट देखना चाहते हो, लोगों को अपना खुद का घर बनाने का मदद करना चाहते हो, आप थोड़ा सा इंसेंटिव एपीएसआर दो जो 100% देगा, यदि आप अपने जैसे लोगों को ले सकते हो, बहुत अच्छा स्कीम है, आप इसके ऊपर काम करिए, और जो भी मदद हमारे एसोसिएशन चाहिए आपको मिलेगा, जितने भी पैनलिस्ट है वो भी आपको मदद करेगा। लोग बोलते हैं 79A डायरेक्शन में, ये नहीं है 79A डायरेक्शन, वेदर यू आर अपॉइंटिंग ए डेवलपर और वेदर यू आर अपॉइंटिंग ए कॉन्ट्रैक्टर, 79A डायरेक्शन तो लागू ही है, ये सेल्फ डेवलपमेंट का अलग डायरेक्शन का कोई जरूरी नहीं। यदि आप डेवलपर अपॉइंट करते हो तो ऐसा करो, यदि आप कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट करते हो तो आप कॉन्ट्रैक्टर को भी 79A डायरेक्शन लागू होगा, बराबर है? जैसे एम आई करेक्ट सर?